बूंदी राजस्थान का एक खूबसूरत शहर जिसे अरावली पर्वतमाला ने अपनी गोद में बैठा कर रखा है। बेजोड़ कलाकृतियों वाली बावड़ियां और छतरियां इस शहर के गौरवशाली इतिहास की कहानी बयां करती है। यहां के तारागढ़ किले के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि भूत प्रेतों ने बनवाया है। सुरंगों का किला, रंगों की बारात, चूरमे की मिठास और चांद के आकार वाली पहाड़ियों की खूबसूरती, इन सबको मिलाकर बनता है बूंदी शहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। आज बूंदी का बर्थडे है, यानी कि स्थापना दिवस है, इसीलिए हम आपको बताएंगे बूंदी शहर के इतिहास के बारे में। अगर आपको ये लगता है कि ये एक साधारण सी जगह है तो आप बिल्कुल गलत हैं। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे हेरिटेज शहरों से खूबसूरती के मामले में बूंदी ज़रा भी पीछे नहीं है। लेकिन फिर भी बूंदी का नाम इतना प्रसिद्ध क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे है एक श्राप की कहानी। आज हम आपको बूंदी की हर कहानी सुनाएंगे, हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे और साथ ही बूंदी की खूबसूरत छटा भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट देखने के बाद यकीन मानिए कि आप बूंदी शहर जरूर घूमने जाएंगे। तो चलिए बूंदी की सैर करने चलते हैं। लेकिन इस सफर की शुरुआत से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को याद से लाइक कर लें। राजस्थान की इंजीनियर्स फैक्ट्री यानी कि कोटा का पड़ोसी है बूंदी। कोटा और बूंदी के बीच की दूरी सिर्फ 38 किलोमीटर की है। ट्रेन से कोई जाना चाहे तो बूंदी जंक्शन के लिए टिकट कटाएं। बाई एयर जाना है तो जयपुर या फिर कोटा एयरपोर्ट पर आप लैंड कर सकते हैं। जयपुर से ये शहर करीब 230 किलोमीटर दूर पड़ता है। बूंदी के सफर पर निकले हैं तो रास्ते में आपको खूबसूरत नज़ारे और हरियाली ही हरियाली दिखेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बूंदी जिले के 1542 स्क्वायर किलोमीटर के भूभाग पर तो सिर्फ वन ही है, यानी कि 26% जमीन पर तो जंगल ही जंगल है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कुदरत ने बूंदी को कितनी खूबसूरती से बसाया होगा। पर्यटन के मामले में तो ये इतना बेमिसाल है कि विदेशों से इंसान ही नहीं परिंदे भी यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 जलाशय हैं। इसीलिए सर्दी के मौसम में दुनिया के कोने कोने से पंछी यहाँ आते हैं और इसीलिए बूंदी परिंदों का भी स्वर्ग कहलाता है। बूंदी की आन बान शान और पहचान है यहाँ का तारागढ़ किला, जो बूंदी रियासत के इतिहास के अनसुने किस्सों को बयां करता है। जिस तरह से बूंदी अनोखा है, उसी तरह से यहाँ का इतिहास भी अनोखा और बिल्कुल अलग है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ का इतिहास शुरू होता है राजपूत राजाओं से नहीं बल्कि मीणा राजाओं से। राजस्थान के इतिहास में आपने राजपूती शासकों के शौर्य की गाथाएं तो पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन मीणा राजाओं के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं क्योंकि इतिहास लिखने वालों ने इनका कोई खास जिक्र किया ही नहीं। लेकिन बूंदी शहर का नाम मीणा राजा बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा। बूंदा मीणा के बाद यहाँ पर शासन हुआ जैता मीणा का, जिन्होंने बूंदी में जैता सागर झील बनवाई थी। लेकिन 13वीं सदी में हाड़ा चौहानों ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया और बूंदी हाड़ा चौहान राव देवा के अधीन हो गया। उस वक्त ये रियासत काफ़ी बड़ी थी। कोटा, बारा, झालावाड़ भी इसी का हिस्सा थे और यही कारण था कि इस क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता था। अरावली की दो पहाड़ियों के बीच बसी बूंदी की नाल इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका माना गया है, जिसका पानी रोककर नवल सागर झील का निर्माण किया गया। 15वीं सदी में बूंदी का शासन चित्तौड़ के महाराणाओं के अधीन आ गया। 16वीं सदी में जब अकबर और राजपूत राजाओं के बीच संधि हुई तो बूंदी भी मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। बूंदी के राव अपना राज तो बूंदी में करते थे, लेकिन युद्ध में वो मुगल सेना की मदद किया करते थे। अकबर के बाद जब जहांगीर का शासनकाल आया तो बूंदी को दो हाड़ा भाइयों में बांट दिया गया, जिसमें कोटा और बूंदी दो रियासतें बनी। वो समय था जब बूंदी का शासन राव राजा अनिरुद्ध सिंह को सौंपा गया। दोस्तों,
अनिरुद्ध सिंह ही वो राजा थे जिन्होंने बूंदी को कई खूबसूरत सौगातें दी। इनमें एक है रानी जी की बावली और दूसरी है 84 खंभों की छतरी। ये छतरी उन्होंने अपने ध्याय यानी कि दाई की याद में बनवाई थी। ये दोनों ही बूंदी की विरासत का हिस्सा है और बेहद खूबसूरत है। इतना ही नहीं, तारागढ़ दुर्ग के सबसे खूबसूरत महलों में से भी एक माना जाता है राव राजा अनिरुद्ध का महल। दोस्तों, वैसे तो राजस्थान में ऐसे हवेलियों और किलों की कोई कमी नहीं है जहां पर खूबसूरत भित्ति चित्र हो, लेकिन तारागढ़ दुर्ग की रंगशाला भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है। 17वीं सदी में बूंदी ने चित्रकला के क्षेत्र में जमकर उन्नति की। खूब सुंदर चित्रकारी यहाँ की गई। यहाँ की रंगशाला जैसे खूबसूरत चित्र दुनिया के किसी दूसरी ऐतिहासिक धरोहर के पास नहीं है। 17वीं सदी में बूंदी ने चित्रकला में जो उन्नति की और जो खूबसूरत चित्रकारी यहाँ हुई, उसके चर्चे तो पूरी दुनिया में हुआ करते थे। लेकिन 18वीं सदी से बूंदी का बुरा वक्त शुरू हो गया। अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण ये खूबसूरत रियासत मराठाओं के निशाने पर आ गई। बूंदी राजस्थान का पहला ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर मराठाओं ने आक्रमण किया था। इसके बाद तो जैसे ताबड़तोड़ आक्रमण और युद्धों की भरमार ही लग गई। ये सिलसिला लगातार चलता रहा जिससे बूंदी को बहुत नुकसान हुआ। फिर बूंदी अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हो गया। बूंदी का राज परिवार अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन जनता अंग्रेजों की विरोधी थी, इसीलिए यहाँ पर बूंदी किसान आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के दौरान 2 अप्रैल 1923 को हुए डाबी कांड ने पूरे देश में जल रही आजादी की अलख में घी डालने का काम किया था। उस दिन झंडा गीत गा रहे क्रांतिकारियों पर गोलियां चलवाई गई, जिसमें नानक भील शहीद हो गए थे। बताया तो ये भी जाता है कि आजादी की अलख जगाने के लिए राजस्थान का पहला अखबार सर्वहित भी बूंदी से ही छापा जाता था। खैर, फिर आया 15 अगस्त साल 1947 जब भारत आजाद हुआ और राज्यों का निर्माण शुरू हुआ। रियासतों में बंटे इस प्रदेश को राजस्थान राज्य बनाया गया। 24 मार्च 1948 यही वो दिन था जब बूंदी को राजस्थान का हिस्सा बनाया गया और 24 जून 1948 को बावड़ियों का ये शहर बन गया राजस्थान का बूंदी जिला, जिसकी सीमा लगती है चित्तौड़गढ़, टोंक, भीलवाड़ा और कोटा के साथ। बूंदी जिले को केशवरायपाटन, इंद्रगढ़, नैनवा, बूंदी और हिंडोली आदि 5 तहसीलें दी गई। कहा जाता है कि जब सबने आंख मूंद ली तो अपने विकास की इबारत बूंदी ने खुद लिखी। यहाँ की खूबसूरत भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर कई सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स शुरू किए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी, चंबल घड़ियाल और जवाहर सागर अभयारण्य बूंदी जिले का ही हिस्सा है। कुदरत ने बूंदी को झरने दिए हो या ना दिए हो, लेकिन यहाँ पर 8-8 बांध बनाए गए। राजस्थान का सबसे लंबा टनल यहाँ बनाया गया। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना बूंदी के लाखेरी में लगा। साल 1965 में राज्य में पहली चीनी मिल बूंदी के केशवरायपाटन में लगाई गई। इंद्रगढ़ शहर में लोहा अयस्क का उत्पादन शुरू किया गया। यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कजली तीज का रंगारंग महोत्सव भी शुरू किया गया। साल में 3 बार बिजासन माता का मेला लगने लगा। बूंदी की प्रसिद्ध हस्तियों को भी इतिहास की किताबों में जगह दी गई, जिनमें राजस्थान का वेद व्यास कहलाने वाले वंश भास्कर और वीर सतसई के रचयिता सूर्यमल मिश्रण का नाम भी प्रमुख है। बूंदी अरावली की गोद में बसा है और यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है। यहाँ की काली मिट्टी खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। बारिश भी यहाँ अच्छी होती है, इसी वजह से खेती भी यहाँ लोगों की आजीविका के लिए एक विकल्प बन गया और धीरे धीरे ही सही बूंदी विकास की राह पकड़ने लगा। डिलीशियसली बिहाइंड द टाइम बूंदी शहर के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये शहर बेहद खूबसूरत है, लेकिन वक्त से थोड़ा ये पीछे रह गया। आज भी अगर आप यहाँ पर जाएंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि आप 1940 के राजस्थान में आ गए हैं। लेकिन विकास की इस कम रफ्तार ने ही शायद बूंदी की खूबसूरती को भी खत्म होने से बचा लिया। तभी तो आज जब लोग बूंदी घूमने आते हैं तो उन्हें तारागढ़ का किला, रानी की बावड़ी,
84 खंभों की छतरी के अलावा यहाँ का सुख महल, गढ़ पैलेस, कनक सागर झील, शीख बुर्ज, धबाई कुंड, नागर सागर कुंड, इंद्रगढ़ का किला, भोरजी का कुंड समेत बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर देखने को मिलती है। यहाँ पर रंगीन राजस्थानी कल्चर और लजीज मारवाड़ी खाना भी मिलता है। हैंडीक्राफ्ट वर्क यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। मंदिर यहाँ पर इतने हैं कि इसे छोटी काशी या फिर राजस्थान की काशी और वृंदावती नामों से भी जाना जाता है। आधे चांद के आकार वाले खूबसूरत पहाड़ियों पर बने तारागढ़ के किले की ख्याति तो दूर दूर तक फैली है। तारे के आकार में बना ये दुर्ग अपने अद्भुत चित्रकारी, सुंदर दरवाजों और ऊंचाई से दिखने वाले बेहतरीन नजारों के लिए दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। दोस्तों, बूंदी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। कहा जाता है कि जब राव राजा उम्मेद सिंह का यहाँ शासनकाल था, तब उन्हें एक बार दिल्ली की यात्रा करनी पड़ी और यात्रा के दौरान उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। तो दिल्ली के सफर के दौरान उन्होंने अपने दीवान से आर्थिक सहायता मंगवाई। दीवान को लगा कि आर्थिक सहायता के लिए जो सोने के सिक्के भेजे जा रहे हैं, अगर उन्हें ऐसे भेजा गया तो हो सकता है कि रास्ते में उन्हें कोई लूट ले। तो उन्होंने बांस के कुछ लट्ठों को खोखला करवाया और उनमें सोने के सिक्के भरकर दिल्ली भेज दिए। लेकिन जब ये बांस राव उम्मेद सिंह को मिले तो उन्हें दीवान पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनकी जान लेने का आदेश दे दिया। दीवान को बिना किसी देरी के फांसी पर लटका दिया गया और बाद में राव को पता चला कि बांस में तो सोने के सिक्के थे। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दीवान की पत्नी अपने पति की चिता पर सती हो गई और जाते जाते उन्होंने ये श्राप दिया कि बूंदी में हमेशा बेईमान लोग फलेंगे फूलेंगे। ये एक पुरानी कहानी है जिसके बिना पर लोग ये बताते हैं कि इसी वजह से बूंदी का किला श्रापित माना जाता है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बूंदी राजस्थान की पहली ऐसी रियासत है जिसने साल 1822 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। जहाँ तक धीमे विकास की बात है तो अच्छा ही है ना, कम से कम बूंदी की खूबसूरती तो बरकरार है। चंबल नदी कोटा और बूंदी को अलग अलग करती है, लेकिन इसी चंबल के दोनों किनारों पर दो अलग अलग नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। एक तरफ इंसानी विकास का नज़ारा है तो दूसरी तरफ कुदरत से मिली खूबसूरती की सौगात का। अब आप ही बताइए कि आप इनमें से किसे अच्छा मानेंगे। बहरहाल, बूंदी स्थापना दिवस पर ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश आपको इस खूबसूरत शहर से रूबरू करवाने की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ये बताएं कि आप अगला इतिहास किस जगह का जानना चाहते हैं और इस रिपोर्ट को कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान की ऐसी बहुत सी जगह हैं जो गोवा, शिमला, यहां तक कि पेरिस और स्विट्ज़रलैंड जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन से भी कई ज़्यादा खूबसूरत है। पर अफसोस की बात तो ये है कि हमें उनके बारे में पता ही नहीं। इसलिए देश और दुनिया को इन जगहों के बारे में पता चल सके, इसके लिए आप इस रिपोर्ट को शेयर करें। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।